सो हेलो गाइस, आज के स्नैपडेट में मैं आप सभी को 15 अगस्त के लिए फ़ोटो एडिटिंग करने को सिखाने वाला हूँ, वो भी कुछ इस तरह से। सो गाइस, इस तरह से फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना होगा, ताकि आप कुछ इस तरह से अपने फ़ोटो को आप अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं। सो गाइस, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरह से मैं फ़ोटो एडिटिंग करने का वीडियो लाते रहता हूँ। सो गाइस, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, मैं इस बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, आपको यहाँ से बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इस ऑप्शन पे शेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इस शेयर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपने बैकग्राउंड को आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लेना है एंड सिंपली ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ से ऊपर की ओर कुछ इस तरह से राइट की ओर से ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है एंड स्क्रॉल करने के बाद आपको यहां से इस ऐड फोटो पे आपको यहां से क्लिक कर लेना है एंड क्लिक कर लेने के बाद आपके यहां से अपने फाइल पे हम चले जाएंगे एंड अपने फाइल पे चले आने के बाद आपके यहां से अपने मॉडल या अपने फ़ोटो का पीएनजी को आपके यहां से सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, मैं इस मॉडल का पीएनजी को सेलेक्ट कर लूँगा एंड सिंपली इस ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके हम इस मॉडल का पीएनजी को हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, इस मॉडल का बैकग्राउंड मैं पहले से रिमूव करके रखा हूँ। तो गाइस, आपके यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो उसके लिए एक मैं फुल ट्यूटोरियल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हूँ, जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर वहाँ से आप ईजिली चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, उसके बाद आपके यहाँ से अपने मॉडल को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके यहाँ से बिल्कुल अच्छे से आपको अपने मॉडल को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है एंड एडजस्ट कर लेने के बाद आपके यहाँ से सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ से डन कर लेना है एंड डन कर लेने के बाद आपको यहाँ से फिर से इस ऐड फोटो पे क्लिक कर लेंगे हम एंड ऐड फोटो पे क्लिक कर लेने के बाद आपके यहाँ से फिर से अपने फाइल पे आपको चले जाना है एंड अपने फाइल पे चले आने के बाद आपके यहाँ से कुछ पीएनजी सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, मैं इस पीएनजी को सेलेक्ट कर लूँगा, देन आपके यहाँ से इस पीएनजी को सेलेक्ट कर लेना है एंड सिंपली इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ से इस दोनों पीएनजी को हम यहाँ से ऐड कर लेंगे एंड ऐड करने के बाद आपके यहाँ से इस पीएनजी को हम बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे ऊपर की ओर। तो गाइस, मैं इस पीएनजी का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरह से आपको यहाँ से बिल्कुल इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, इस पीएनजी को सेलेक्ट कर लेना है एंड इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, देन आपको यहाँ से डन कर लेना है। तो गाइस, इतना कुछ हो जाने के बाद आपके यहाँ से इस फोटो को कर लेना है सेव एंड सेव कर लेने के बाद आपके यहाँ से इस फोटो को हम लाइटरूम एप्लीकेशन पे ऐड कर लेंगे। सो गाइस, चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन की ओर। सो गाइस, फाइनली हमारी फ़ोटो सेव हो चुकी है। तो गाइस, आपको अपने फ़ोटो को सेव कर लेना है एंड सेव कर लेने के बाद आपके यहाँ से फिर से इस शेयर ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद आपको यहाँ से अपने फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लेना है एंड ऐड कर लेने के बाद आपके यहाँ से अपने फ़ोन पर लाइटरूम एप्लीकेशन को यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। देन ओपन करने के बाद आपके यहाँ से इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो गाइस, इस तरह से इंटरफेस आने के बाद आपके यहाँ से इस फोटो को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ से सिंपली इस टेम्परेचर टूल पे आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है एंड आपको यहाँ से टेम्परेचर को यहाँ से हम वाइब्रेंस को सिंपली यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ से इस लाइट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से आपको कॉन्ट्रास्ट को हम इंक्रीज कर लेंगे। देन आपको यहाँ से इस टूल पर क्लिक कर लेना है एंड इस टूल पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से कुछ इस तरह से इसको हम यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे एंड उसके बाद आपके यहाँ से डन कर लेना है एंड डन कर लेने के बाद आपके यहाँ से सिंपली इस टूल पे क्लिक करना है एंड इस टूल पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से विग्नेट को हम यहाँ से माइनस की ओर कर लेंगे कुछ इस तरह से एंड आपके यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपके यहाँ से ये दोनों ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर लेना है। देन आपके यहाँ से इस शेयर ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड सिंपली आपके यहाँ से सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर लेना है एंड क्लिक कर लेने के बाद आपके यहाँ से आपकी फ़ोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस, हम कुछ इस तरह से फ़ोटो एडिटिंग कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।